टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफ्रेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन बाय ए स्लिट। लेट ए नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन द एपर्चर इन द फॉर्म ऑफ ए स्लिट। द इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट स्प्रेड्स आउट ड्यू टू डिफ्रेक्शन इफेक्ट एंड मे बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सुपर पोजिशन ऑफ प्लेन बीम्स ट्रेवलिंग इन वेरियस डायरेक्शन बट ऑल हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसी एज द ओरिजिनल वेव्स और डेट द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज व्यूड ऑन द स्क्रीन। द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द पैटर्न इज ऑब्जर्व बाई पुटिंग एन इज इक्वल टू वन इन द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट डेट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो हियर डी विल बी डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई साइन थीटा एंड फॉर फर्स्ट पैटर्न एन इज इक्वल टू वन सो डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। वेयर डेल्टा वाई इज द विड्थ ऑफ द स्लिट एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मिनिमम। एज द डिफ्रेक्शन हैज टेकन प्लेस एविडेंटली द इलेक्ट्रॉन्स हैव पास थ्रू द स्लिट बट वी कैनॉट से डेफिनेटली एट वॉट प्लेस इन स्लिट द एंट्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुक प्लेस सो डेट द अनसर्टेनिटी इन डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट डेट इज डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू लेमडा अपॉन साइन थीटा। इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस सो डैट दे हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर डेविएटेड एट द स्लिट फ्रॉम द इनिशियल पार्ट टू फॉर्म द पैटर्न दे एक्वायर एन एडिशनल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस। इफ पी इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी पी साइन थीटा। एज द इलेक्ट्रॉन मे बी एनी वेयर विद इन द फ्रीक्वेंसी विद इन द पैटर्न फ्रॉम माइनस थीटा टू प्लस थीटा द वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम मे बी एनी वेयर बिटवीन माइनस पी साइन थीटा एंड प्लस पी साइन थीटा सो डैट द अनसर्टेनिटी इन द वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेल्टा पी वाई विल बी इक्वल टू वॉट डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा विच इज टू पी साइन थीटा। सो डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू टू पी साइन थीटा विच इज इक्वल टू पी इज वॉट we know that lambda is equal to h upon p so we can write p as 2h upon lambda sin theta. So now what will be delta y into delta py? Delta y we have calculated lambda upon sin theta and delta py we have calculated 2h upon lambda sin theta. Multiplying these two equations we can say that delta y into delta py is equal to lambda upon sin theta 2h upon lambda sin theta which is equal to 2h. So delta y into delta py will be greater than or equal to h cross upon 2. That is the product uncertainty in determining the position and that in determining the momentum is always greater than h cross upon 2 which is Heisenberg uncertainty principle. Thank you.